हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार DLRS अमीन कानूंगो क्लर्क और ASO एडमिट कार्ड 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार DLRS ने अमीन कानूंगो क्लर्क और ASO के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे DLRS बिहार ने कुछ दिनों पहले अमीन क्लर्क कानूंगो और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर ASO के 10,101 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। बहुत सारे कैंडिडेट ने इन फॉर्म्स को भरा था। अब सिलेक्शन यहां पर इन पोस्ट पर आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पर किया जाएगा। डेट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 13 अप्रैल 2023 से 12 मई 2023 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। फिर इस डेट को बढ़ाकर 22 मई 2023 कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट यहाँ पर एक्सटेंड हुई थी, उसको बढ़ाकर 22 मई 2023 कर दिया गया था। फिर कैंडिडेट से 13 अप्रैल 2023 से 22 मई 2023 के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए गए थे। एग्जाम यहां पर आपका, जी हां दोस्तों, आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 4 अगस्त 2023 से 17 अगस्त 2023 के बीच में कंडक्ट होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम कंडक्ट होने से एक या दो दिन पहले ऑफिशियल पोर्टल पर रिलीज कर दिए जाएंगे। कैसे आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देंगे, तो एंड तक आपको इस वीडियो में बने रहना है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर बिहार DLRS अमीन क्लर्क कानूंगो ASO एडमिट कार्ड 2023, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, या फिर आप अपने इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार पर डायरेक्टली टाइप कर सकते हो bcecboard.bihar.gov.in। ये URL टाइप करके आप यहां पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के इस ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाओगे। यहां पर आपको एग्जाम कंडक्ट होने के एक या दो दिन पहले लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। आपके बिहार DLRS कानूंगो अमीन पटवारी और ASO की पोस्ट के लिए यहां पर ही आपको आपका लिंक, जैसे कि और एग्जाम्स के एडमिट कार्ड के लिंक्स यहां पर आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, ऐसे ही यहां पर आपको एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड के लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है और फिर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर विद DOB के थ्रू यहां पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो, तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके कैप्चा कोड एंटर करना होगा और फिर आपको साइन इन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे कि क्या रिपोर्टिंग टाइम है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किस वेन्यू पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो और किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो, सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस आपको आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड कर लेनी है और उसके बाद अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट आपको ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ ही आपको अपने साथ अपना एक वैलिड फोटो पहचान पत्र भी लेकर होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, जैसे कि कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना बिहार DLRS अमीन कानूंगो क्लर्क और ASO का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट्स की ऑफिशियल नोटिस की PDF दी गई है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, एग्जाम डेट्स ऑफिशियल नोटिस, उसके बाद आपके सामने यहां पर ये ऑफिशियल नोटिस ओपन हो जाएगा। ये नोटिस आप यहां पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के इस ऑफिशियल पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहां पर राइट साइड में
इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर डेट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर कानूगो अमीन, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर ये नोटिस ओपन हो जाएगा। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम जिला पटना जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 4 अगस्त 2023 से 17 अगस्त 2023 के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आपका पर्षद की वेबसाइट पर यथा समय उपलब्ध करा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम कंडक्ट होने के 1 या 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसे डाउनलोड करके आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना बिहार DLRS अमीन कलर कानूगो और ASO का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।